Assalamualaikum dear students and viewers, you are watching my YouTube channel Aerokane. Today we will discuss a very important reaction of alkenes, which is called epoxidation reaction. Epoxidation reaction kya hai? Isko hum is tarah define kar sakte hain. The chemical reaction in which an epoxide is formed. Oh, chemical reaction jisme an epoxide is formed is called epoxidation reaction. वो reaction जिसमें epoxide की formation होती है उस reaction को हम नाम देते हैं epoxidation reaction. अगर आप देखें यहाँ पे ये जो epoxidation reaction है, it is oxidation reaction. Oxidation reaction है. क्यों oxidation reaction है? Because addition of ऑक्सीजन होती है. इस वजह से रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये जो एपॉक्सिडेशन रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है. यहाँ पे हम दो एग्जांपल लेंगे कि किस तरह एपॉक्सिडेशन होती है अल्केन में या वो कंपाउंड्स जहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद हो. अगर आप देखिए हम सिंपली यहाँ पे एक कंपाउंड अल्कीन the simplest member अगर आप alkene series के देखें, it is called ethene. When ethene is treated with oxygen in the presence of silver oxide, अब reaction को आसान बनाने के लिए reaction को ऐसी ताकि proceed हो जाए उसके लिए हम यहाँ पे it is heated up to 300 degree Celsius. यहाँ पे ये जो oxygen है ये मतलब oxygen अगर आप देखें यहाँ पे addition होती है across डबल बॉन्ड और हमारे पास इस तरह के कंपाउंड बन जाता है. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एन एपॉक्साइड. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एपॉक्साइड. अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो यहां भी इट इज आल्सो कॉल्ड इट इज अ साइक्लिक ईथर. ये साइक्लिक ईथर है. इट इज आल्सो कॉल्ड इथाइलीन. इथाइलीन एपॉक्साइड इसको हम कहते हैं. और यहाँ पे ये जो इथाइलीन एपॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है इस वजह से रिएक्शन को हम नाम देते हैं एपॉक्सीडेशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एपॉक्सी इथेन भी इसको हम कहते हैं. तो यहाँ पे ये रिएक्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है इथाइलीन एपॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है. द रिएक्शन इज कॉल्ड एपॉक्सीडेशन. अब हम आते हैं साइक्लिक अल्कीन को हम लेते हैं कि वहां पे किस तरह एडिशन होती है. ये हमारे साथ इट इज एन अल्कीन साइक्लिक अल्कीन है या इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सीन. इसमें अगर हम ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं सेम रिएक्शन कंडीशन सिल्वर ऑक्साइड इज यूज एज ए कैटलिस्ट और इसको हम हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे. तो याद है हमारे पास एन एपॉक्साइड इज फॉर्म. यहाँ पे एपॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है. तो यहाँ पे ये भी एन एपॉक्साइड है साइक्लिक है. यहाँ पे दिस ग्रुप इज कॉल्ड एपॉक्सी. ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं एपॉक्सी ग्रुप. इसको हम कहते हैं एपॉक्सी ग्रुप और ये एपॉक्साइड है. इस रिएक्शन में अगर आप देख रहे कोराल तो हमारे पास एपॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है. इस वजह से द रिएक्शन इज नोन एज एपॉक्सीडेशन. इसको हम कहते हैं एपॉक्सीडेशन. ये जो एपॉक्सीडेशन रिएक्शन है ये सिल्वर के मौजूदगी सिल्वर ऑक्साइड के मौजूदगी में प्रोसीड होता है. इसकी जगह हम पर एसिड को भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सिमिलर अगर आप देखें हम एक अल्कीन लेते हैं जनरल अल्कीन को हम लेते हैं. एंड दिस जनरल अल्कीन इज ट्रीटेड विथ पर एसिडिक एसिड. ये हमारे पास पर एसिडिक एसिड है. अगर आप देख लें यहाँ पे ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान रिपल्शन ज्यादा होते हैं. तो यहाँ पे दिस ऑक्सीजन इट कैरीज पार्शियल नेगेटिव चार्ज
बिकॉज यहाँ अगर आप देखिए इट इज अटैच विद कार्बोनिल कार्बन के साथ ये अटैच है और ये जो ऑक्सीजन है इट कैरीज पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे होता है। तो यहाँ भी ये जो ऑक्सीजन है इट टेक्स इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दिस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन लेता है। जब ये लेता है ऑक्सीजन इज अटैच विद दिस कार्बन एटम, तो ये इस कार्बन के एटम के साथ अटैच होता है। इट इज अटैच्ड हियर और यहां पे ये जो कार्बन है ये इस तरह हमारे पास ये कार्बन बन जाता है। अगर आप देखें इस ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव ये भी अटैच है, हाइड्रोजन भी अटैच है। अभी इसमें क्या आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पे आप देखें यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहां पे ये जो पॉजिटिव कार्बन है यहां पे जो एसीटेट आयन है यहां पे ये जो ऑक्सीजन है इट कैरीज नेगेटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आएगा इट विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बन। ये अपने इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है सॉरी ये अगर आप देखें ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको यहाँ पे जो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट विल शिफ्ट टू हियर। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा हमारे पास बनेगा ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। ऑक्सीजन इज अटैच्ड हियर यहां पे ऑक्सीजन अटैच होगा और ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन अटैच होगा इस कार्बन के साथ। हमारे पास ये जो पर एसिडिक एसिड है इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिडिक एसिड और यहां पे ये जो ऑक्सीजन है इट ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद द कार्बन एटम। यहां भी हमारे पास एपॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को अगर आप देख ली तो इस रिएक्शन में पर जो एसिड है पर एसिडिक एसिड इसका ये ऑक्सीजन इट इज एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड, इस वजह से इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं एपॉक्सिडेशन रिएक्शन। यहां भी क्योंकि रिएक्शन में एपॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज नोन एज the reaction is known as epoxidation reaction। ये एक oxidation reaction है। तो यहाँ पे ये जो reaction है अगर हम मानो oxygen लेते हैं in the presence of silver catalyst और उसको heat करते हैं 300 degree celsius पे तो हमारे पास epoxide की formation होती है। अभी अगर आप yeast की जगह पर acid लेते हैं यहाँ पे हमने एक बार एसिडिक एसिड लिया है तो ये भी इट कैन इनिशिएट एपॉक्सिडेशन रिएक्शन, इस वजह से द रिएक्शन इज नोन एज एपॉक्सिडेशन रिएक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एरोकेम। आप इस तरह करें कि मेरा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी जो वीडियो है बर वक्त आपको मिल सके।